नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अभी मैं खड़ा हूं पीएमसीएच के ओपीडी विभाग के पास और यहां पर जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और मरीजों का NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना। बुरा हाल हो रहा है, मरीज बेहाल है, जूनियर डॉक्टर NMC बिल को लेकर नाराज है। उनका कहना है कि NMC बिल का हम समर्थन नहीं करते और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। क्या कुछ कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर NMC बिल से नाराज होकर, आप वो भी सुनिए। हम लोग के मांगे जो NMC बिल पास हुआ है उसमें मतलब कुछ अमेंडमेंट है, मतलब कुछ क्लाउज का हम लोग अपोज, पूरा NMC बिल का अपोज है। जैसे 32 क्लाउज है उसमें क्या है कि मतलब जो भी मतलब पारामेडिकल और मतलब होम्योपैथी और यूनानी आयुर्वेदा वो मतलब 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके उसके आप उससे मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस कराओगे। हम लोग 5 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, तब भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उसके लिए फिर MD करते हैं, MS करते हैं, उसके बाद DM MCH करते तो जाके परफेक्ट डॉक्टर बनते हैं। अब 6 महीने में क्या डॉक्टर, और जो पहले से होम्योपैथी यूनानी जो चल रहा है और आयुर्वेदा आप उसको भी लेवल डिग्रेड कर रहा है। आपको अगर प्रमोट ही करना है तो नया कॉलेज खोलिए, सीट बढ़ाइए और डॉक्टर की कमी उसको पूरा कीजिए। ये नहीं कि मतलब, और फिर जो नेक्स्ट एग्जाम में मतलब जो फाइनल ईयर का मार्क्स बेसिस पे उस पर PG का सीट पे था। पहले NEET PG अलग होता था, उसमें फाइनल ईयर में सिर्फ 4 सब्जेक्ट और का चार सब्जेक्ट पे फोकस कर, तो हम लोग 19 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 19 सब्जेक्ट तो बेकार ही पढ़ते हैं, अगर उसका इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हम लोग क्यों उसे पढ़ रहे हैं, उसको हटा दो। और फिर जो 4 ही सब्जेक्ट पे अगर लेना है तो उसी पे लो। हम लोग तो 19 सब्जेक्ट पे, और उसमें क्या होता है कि मतलब मार्क्स बेसिस पे लेकिन पहले NEET PG अलग होता था, उसमें जितना रैंक आता था उसके अकॉर्डिंग मतलब हम लोग अपना ब्रांच चूज करते थे और अपना मनपसंदा ब्रांच लेते थे। और उसके बाद जो एक है, पहले जो गवर्नमेंट कोटा का 15% सीट होता था वो रेगुलेट करता था, लेकिन अब जो है 50% सीट जो है मतलब मैनेजमेंट कोटा के अंदर आएगा, उसको फिर रेगुलेट करेगा। ये तो हो गया कि PG वाले सीट मतलब हम अपने अनुसार तय करेंगे कि कितना फीस उसका मतलब तय करना है नहीं करना है। ये तो मतलब क्या कह रहे हैं, जो गरीब है वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे कि मतलब, और जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं मोस्टली गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, उतना ही फट नहीं कर पाते हैं कि आप क्या प्राइवेट में करोड़ों का फीस दे पाओगे, उतना ही फट नहीं कर पाते, तो हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं। आप लोग हड़ताल पे हैं, मरीज बेहाल हैं, अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती फिर आगे आप देखिए, हम लोग गवर्नमेंट से होपफुल रहते हैं कि नहीं हम लोग की मांगे सुनेगी, अगर नहीं सुनते तो फिर हम लोग इंडिपेंडेंट स्ट्राइक के लिए जा सकते हैं। स्ट्राइक पर जैसे कि दोस्त बताए NMC बिल को हम लोग पहले से भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन लोकसभा में राज्यसभा में पास हो गया, तो हम लोग अब सरकार से यही चाहते हैं कि बिल को वापस ले ले, या कम से कम जिस क्लाउजेस से हमें दिक्कत है उस क्लाउज को हटा दिया जाए, वहाँ से उस क्लाउज में अमेंडमेंट किया जाए। आप बताइए, मरीज जो है वो बेहाल है, स्ट्राइक पे उचित सरकार हम लोग के साथ खेल रही है, गरीब मरीज गरीब लोग के साथ खेल रहे हैं, उसके स्वास्थ्य फ्यूचर के स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। लोग के हाई डोज का एंटीबायोटिक चला के कुछ समय के लिए ठीक कर देते हैं, लेकिन बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाएगी, आगे उन लोग के स्वास्थ्य को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसका सामना मेन डॉक्टर लोग का करना पड़ेगा। ये लोग सरकार समझ नहीं रही है और बिल पास कर दे रही है, इसका हम लोग अपोज हैं। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी हम लोग कंटिन्यू हड़ताल जारी रखेंगे, स्ट्राइक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो। अगर जो MLA MP जो पास किए हैं ये बिल, अगर वो बोल दे अगर हम जो मॉडर्न प्रैक्टिसनर आ रहे अगर उससे इलाज कराएंगे, तो अगर उसको तो हल्का से एंजियोपैथी कराना होता है तो फॉरेन भागते हैं, वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल वो तो हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है जो नहीं कराते, और जो गरीब जनता उनको आप बोलिएगा कि मॉडर्न प्रैक्टिसनर से ट्रीटमेंट कराए, ऐसे कैसे। मांग हम लोग गरीबों के लिए ही है, झोला छाप डॉक्टर आ जाएंगे कैसे गरीब, हम मान लीजिए जो पैसे वाले तो बाहर दिखा लेंगे, जो गरीब है जो गाँव में है वो लोग किसके पास जाएंगे, वो ब्रिज कोर्स वाले के पास जाएंगे, तो ये सही नहीं ना है। तो आपने सुना जूनियर डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि महज 6 महीने में डॉक्टरेट की डिग्री लेकर वो मरीजों का ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे, हाई डोज मेडिसिन देंगे और मरीजों का हालत बद से बदतर हो जाएगा, कुछ पल के लिए तो ठीक ज़रूर हो जाएंगे। उनका कहना है कि कोई 6 सब्जेक्ट पढ़ कर डिग्री लेगा और हम 19 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर भी सरकार हमारे प्रति कुछ नहीं सोच रही है। हालाँकि जूनियर डॉक्टर का ये भी कहना था कि पूरे NMC बिल का हम विरोध नहीं करते, कुछ क्लॉज हैं जो उनका विरोध करते हैं और उनमें संशोधन करना चाहिए, और अगर सरकार इसमें संशोधन नहीं करती तो फिर
अनिश्चितकालीन के लिए वो हड़ताल पर जा सकते हैं। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अपडेट रख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।